हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज मैं गुजरात की फेमस फरारी फरसान बनाने वाली हूँ, जो है आलू पेटिस, जो बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम चटपटा उसका स्टफिंग। पेटिस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच बॉयल ग्रेटेड आलू, 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच तिल, 2 चम्मच कोकोनट का पाउडर, 1 चम्मच पीसी हुई मूंगफली, कटा हुआ काजू और किशमिश, 1 चम्मच लेमन जूस, हरा धनिया, स्वाद अनुसार अदरक मिर्ची का पेस्ट, सेंधव नमक स्वाद अनुसार, पिसी हुई चीनी 2 चम्मच, थोड़ा सा मरी पाउडर, उसमें थोड़ा सा सौंफ भी डालेंगे जिससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब सबको मिक्स करके उसके छोटे छोटे बॉल्स बना देते हैं हम। अब सारे बॉल्स में रेडी कर देती हूँ। पेटिस का बाहर का लेयर बनाने के लिए हमें 1 बोल बॉइल्ड ग्रेटेड आलू लेना है, उसमें 3 चम्मच जितना आरा रूट लेना है जो हम फराल में खा सकते हैं, उसमें सेंधव नमक और थोड़ा सा ऑयल वो लेके उसका 2 बनाना है। उसमें हमें ये जो पोटैटो है वो फ्रेश ही लेने हैं, उसको फ्रीज में रखे हुए नहीं लेने हैं, और उसको बॉईल करते टाइम पानी में बॉईल नहीं करना है, उसको स्टीमर पे रख के ही बॉईल करना है। अब ये हमारा 2 बनके रेडी है। अब मैं ये 2 में से एक छोटा बॉल लूँगी और उसको ऐसे हथेली पे लेके स्प्रेड करूँगी और उसके अंदर ये स्टफिंग रखूँगी और फिर ऐसे बॉल्स बना दूँगी। एक तरफ मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया है। अब ये जो बॉल्स मैंने रेडी करे हैं उसको थोड़ा सा आरा रूट लेके उसको ऐसे उसके ऊपर कोटिंग करके फिर ऑयल में फ्राई करेंगे जिससे उसका बाहर का लेयर एकदम क्रिस्पी बने। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो मैं उसको निकाल देती हूँ। ये फराली आलू पेटिस अब सर्विंग के लिए रेडी है। मैंने उसको मीठे दही के साथ सर्व करा है।